वेलकम टू शुक्ला कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल। उस दिन मैंने आपको नेचुरल डिस्टर्बेंस के बारे में बताया था ना, प्राकृतिक आपदा। आज मैं आपको फर्स्ट पॉइंट फ्लड्स के बारे में बताऊंगी। फ्लड्स मतलब होता है बाढ़। फ्लड्स की डिफिनेशन है सबमर्जेज ऑफ लैंड बाय ओवरफ्लो ऑफ वाटर। इसको हम हिंदी में भी आपको डिटेल में अच्छे से बता दें कि पानी के अत्यधिक बहाव के कारण स्थलीय भाग का डूबना। जब हद से ज़्यादा बारिश हो जाती है तो वो स्थिति बाढ़ की स्थिति को उत्पन्न करती है। बाढ़ बेटा वो स्थिति होती है जिसमें इंसान की हर संपत्ति, आर्थिक संपत्ति हो चाहे शारीरिक संपत्ति हो, सब नष्ट हो जाता है। इस बाढ़ की स्थिति से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ। कीप ऑफ फ्रेश फूड, फ्रेश वाटर, फूड आर्टिकल, कैरोसिन, ETC इन अ स्टॉक। हमें अपने घर में जैसे देख लिया जाए कि बाढ़ की स्थिति ज़्यादा आ रही है, पानी की मात्रा ज़्यादा हो रही है, तो ताज़ा पानी अपने घर में रख लें। खाने के कुछ सूखे पदार्थ जैसे बिस्किट हैं, काजू है, बादाम है, वो रख लें। इसके अलावा नंबर टू पे डू नॉट एंटर द फ्लडेड एरियाज अलोन। जहाँ बाढ़ की स्थिति ज़्यादा है वहाँ अकेले ना जाएं, नहीं तो वहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है। थर्ड पॉइंट है ड्रिंक ओनली बॉइल्ड वाटर एंड ईट ओनली फ्रेश फूड। ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ उबाला हुआ पानी ही पीना चाहिए, फ्रेश मतलब ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, और ताज़ा खाना खाना चाहिए, बासी खाना नहीं खाना चाहिए, जिससे कि आपको शारीरिक नुकसान ना हो, आपको बुखार, जुखाम, टाइफाइड ये सारी समस्या ना आए। फिर है स्विच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर होम। जब ज़्यादा बारिश की मात्रा होती है, पानी ज़्यादा होता है, तो घर की सारी बिजली के जितने भी स्विच है उसको ऑफ कर देना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट है टेक हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसी। हमें सरकारी सेवाओं से अपने लिए कुछ ना कुछ, जैसे कोई भी समस्या है तो उनसे लाभ लेना चाहिए। अंडरस्टैंड? थैंक यू।